क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 11.3। तो आज हम इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे? 10। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है ये। इस क्वेश्चन नंबर 10 की ये फिगर दी हुई है, ये एक बड़ी सर्कल दिख रही है आपको, है ना। इस बड़ी सर्कल के अंदर दो छोटी सर्कल और दिख रही हैं, और इसी बड़ी सर्कल के बीच में ये एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है ना। तो चलो देखो क्या कहता है। ये एक बड़ी सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इस बड़ी सर्कुलर शीट जिसका रेडियस था 14 सेंटीमीटर, उसमें से दो छोटी सर्कल्स जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी और इसका भी, और एक रेक्टेंगल जिस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। बड़ी सर्कल में से ये दो छोटे सर्कल और रेक्टेंगल को काट के निकाल दिया गया, तो आपको बताना पीछे जो शीट है वो कितनी बच जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, ये जो बड़ी सर्कल है ना जिसका रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, कौन सी सर्कल, हैविंग रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर इक्वल टू। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला लगा देना है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 22/7, और रेडियस क्या लेना है, 14 × 14, 7 × 7, 7 × 2 = 14। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, 14 के साथ। तो ये कितना आया, 616 cm². ये तो बड़ी सर्कल का एरिया आ गया। अब दो छोटी सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई, अब रेडियस नहीं लिखूंगा, अब रेडियाई लिखूंगा, क्योंकि दो सर्कल की बात हो रही है ना, तो रेडियस का जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल करते हो ना, तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। हैविंग रेडियाई कितना, 3.5 सेंटीमीटर ईच दोनों का। तो सेम फार्मूला, क्या फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितनी है ये, दो है ना, ये तो एक के लिए लगाया, इसी को क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है। क्यों किया टू से मल्टीप्लाई, क्योंकि कितनी है, दो है ये, तो इसको करो सॉल्व, 2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी, 3.5 × 3.5। चलो करते हैं इसको, 2 × 22/7, 35/10, 35/10, पॉइंट ख़त्म किया ये, 7 × 7, 7 × 5, 5 × 5, 5 × 2, ये और 2 और ये 2 भी चला गया। अभी 10 भी कैंसिल होता है, लेकिन रहने दो, 10 से डिवाइड करना आसान रहता है। तो 22 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये 770 आया। कितना आया, 770, और नीचे कितना है, 10 भी तो है ना ये, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म, तो कितना आ गया, 77 cm². ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये। अब एक चीज़ और निकालनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या फार्मूला होता है, रेक्टेंगल तो दिस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 cm × 1 cm, 3 × 1 = 3 cm². तो जब ये बड़ी सर्कल में से दोनों छोटी सर्कल भी माइनस कर ली, ये रेक्टेंगल भी माइनस कर लिया, पीछे क्या आ रही है बच्चे, वो देखते हैं। अब फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेड, नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग शेड, एरिया ऑफ रिमेनिंग शेड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी सर्कल थी 616 में से माइनस करना पड़ेगा 77 भी, और फिर 3 भी माइनस करना पड़ेगा, ये सब के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार ही लगा लिया। अभी क्या करेंगे हम, 616 में से पहले क्या माइनस करेंगे, 77, तो ये आएगा 539, और उसमें से 3 को भी माइनस कर लेंगे
तो ये आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, इज कट फ्रॉम ए स्क्वेयर पीस, उसको कहाँ से कट किया जाता है, एक स्क्वेयर पीस से कट किया जाता है, ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ रेडियस ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्बम। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, देखो इसकी फिगर नहीं दी हुई है, मैं आपको ऐसे बना के बताता हूँ। ये देखो एक एल्युमिनियम की शीट थी ये, और उसकी शक्ल कैसी थी, रेक्टेंगुलर नहीं थी, स्क्वेयर शेप्ड थी, ठीक है। हर साइड कितनी 6 सेंटीमीटर, इसमें से एक सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस ले लिया, कितना रेडियस 2 सेंटीमीटर रेडियस, उसको कट कर लिया, आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, पीछे जो शीट बच गई उसका एरिया कितना होगा। तो पूरे स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर लेना, तो हम लिखेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड एल्युमिनियम शीट। तो क्या होता है फार्मूला, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ पे साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर कितना आ गया 36 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो सर्कल जिसका रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, क्या फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दी हुई है उसने वही लगानी है 3.14, रेडियस कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अभी पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आ गया 100 एंड 2 2 ज़ार कितना हो गया 4, कैंसिल होता है लेकिन नहीं करना कैंसिल, जीरो से डिवाइड करना, जैसे हमने पॉइंट हटाया ना वैसे ही एंड में पॉइंट ले भी आएंगे। 314 को क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 1256 डिवाइडेड बाय 100, द्वारा पॉइंट ले आओ दो रकमों के बाद, एक रकम दो रकम फिर 0.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग लेफ्ट ओवर शीट, तो देयर फॉर एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर शीट, लेफ्ट ओवर शीट तो कैसे निकलेगा, स्क्वेयर का जो भी एरिया आया था कितना आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ना, उसमें से ये माइनस कर लो सर्कल का, तो माइनस कर लो, देखो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, माइनस करके देखते हैं, 36 में से माइनस करना हमने 12.56, तो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट वाली रकम देखो कैसे माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे आपको रफ में करके बता देता हूँ, ये 36 पॉइंट खुद लगाना है 0 0, और उसमें से माइनस करना है 12 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 56, तो ये बना लो इधर से कैरी ओवर लेके, बारो लेके 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, इधर क्या बचा 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4, इधर क्या रह गया 5 बचा, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3, 3 का 3 रहा क्योंकि 5 में से 2 तो जाता था ना, हमने यहाँ से कोई भी बारो नहीं लिया, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, तो 23.44 ये देखो ये आ गया था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन 10 और 11 ध्यान से समझ के कापियों पर नोट कर लेना इनको।